बसमिल सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजास्ला खालिद की गैर मौजूदगी में आज के लिए इस प्रोग्राम की मेजबानी के फ्राइज मुझे सौंपे गए हैं मुल्क की सियासत में एक बार फिर से इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है साथ ही साथ हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है जितने ये चोर डाकू हैं कोई भी नहीं है ऐसा कहना है वजी अल खैबर पख्तनखा महमूद खान का उनकी जानब से कहा है कि पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए थर की तरफ देखना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है आ... अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है वफाकी वजीर ब्र मजहबी मूर पीर नुरहकारी के हवाले से भी अब एहतसाब का अमल शुरू हुआ है तो इमरान खान की मौजूदगी में माइनस वन से माइनस ऑल हो जाएगा यह नूरहदरी साहब की जानब से कहा गया है साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि काबीना में नॉन इलेक्टेड को भी इलेक्टेड ही न मंतखब किया है एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे गुजश्ता रोज भी हम बात कर रहे थे कि हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है जब तक हुकूमत अब कारदगी नहीं दिखाएगी हुकूमत इस दबाव को कम नहीं कर सकेगी दूसरी तरफ

सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे तो वफाक के पास क्यों नहीं है कि शहीद बेनजीर की वसीयत कौम को बेवकूफ बनाने के लिए काफी थी एक तो हम सियासी हलचल पर बात करेंगे कि मुस्तकबिल में होने क्या वाला हैकूमत इस दबाव पर काबू पा सकेगी या नहीं पा सकेगी और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हुतुस्म पर है। क्या अवामी हल करने में होंगे। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है फैसले करने की जरूरत होगी क्या मुश्किल फैसले हो चुके अगर मुश्किल, मुश्किल फैसले हो चुके तो उनके नतजर क्यों नहीं आ रहे और अगर नहीं हुए तो वह कौन से मुश्किल फैसले जिनको अभी होना बाकी है इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में मेहमानों का तारफ करवा देता हूं अजीम चौधरी साहब सीनियर तर्जाकार हैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुबशर बुखारी साहब सीनियर तर्जा प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए साथ मौजूद हैं जबकि कुछ ही देर में तजार अब्दुल्ला गुल्सा भी मुझे ज्वाइन करेंगे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब सब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा साहब मुल्की सियासत में अगर फिर से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है एहतसाब का पहले शोर होता था करप्शन के खिलाफ नारा बुलंद किया जाता था लेकिन अब एक बार फिर से वही बयानबाजी शुरू हो गई है जो पाकिस्तान तरीके इकतदार में आई थी तो उस वक्त शुरू हुई थी आप मुल्की सियासत में कुछ हलचल देख रहे हैं मुल्क सियासत में कोई हलचल नहीं होगी तमाम पॉलिटिशियंस पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस को रीजनल पोजिशन्स को और पाकिस्तान के दीगर मसाइल से पूरी तरह आगा हैं हर दुकान जो सजाई जाती है उस पर गाहकों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ न ना कुछ नारे ज़रूर लगाए जाते हैं आवाज़ें लगाई जाती हैं और अगर बाजार तंग हो तो गलियों के, के में खड़े होकर जो दुकानदार आवाज़ लगाते हैं वो भी उसी तरह की होती है जिस तरह पोलिटिकल लोग अपनी दुकानों पर ये सियासी जमातों के थड़ों पर खड़े होकर नारे लगाते हैं क्योंकि अब सियासत का रुख बदल गया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी दे दी हुई है कि भाई शाम को कई घंटे बैठ कर वो कुछ कह सकते हैं जो आम हालात में न कहा जाता था न सुना जाता था और ना अखलाकियात तो उसकी इजाज़त देती थी जो असम्बली के अंदर की सूरत हाल है वो भी एक डिबेटिंग सोसाइटी है लेजिस्लेशन का काम तो पाकिस्तान में हो नहीं रहा ना कोई करना चाहता है और ना किसी के पास इतनी हिम्मत है कि वो करने के लिए अपने जर्फ को बड़ा करे और बड़ा करने के बाद वो दूसरों के साथ मामला को तय करे और उन मामला को तय करने के नतीजे में पार्लिमानी जमहूलियत को आगे बढ़ाया जाए यहाँ हमेशा से वन मैन शो हुआ करता है कभी जमहूरी हुतों में और कभी गैर जमुई हुकूमतों में होता वन मैन शो ही है अगर पोलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो तो वहाँ भी एक शख्स की बात सुनी जाती है और वही अपनी बात कहता और करता और करवाता है और अगर आमरीत हो तो तब भी यही कुछ होता है ना पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत है ना मुल्क में जमहूरियत है और ना इसका कोई इम्कान है ऐसे हालात में जब इंटरनेशनली और इकनॉमिकली और नेशनली हम एक बंद गली में मौजूद हैं ऐसे हालात पर मैं नहीं समझता कि कोई पोलिटिकली पार्टी इस वजन को उठाने के लिए तैयार है जिन्होंने उठाया हुआ है वो मुश्किल उठाए हुए हैं उनके बस में हो तो उठा के नीचे रख दें और कहीं कोई और ले ले सही बुखारी साहब आप अग्री करते हैं इससे मुल्क की सियासत में कोई हलचल नहीं होने जा रही जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि शायद हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है अगले माह आप किस तरह से देख रहे हैं आ, बिल्कुल अजीम भाई ने जो बात कही आ, मैं उससे इतफाक करता हूं और उसकी ही उन्हीं की बात को आगे मैं बढ़ाते हुए ये कहूंगा ये हलचल जो होती है ये मजबूरी होती है तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ की कि वो इस तरह का माहौल हमेशा कायम रखें और स्पेशली जब सूरत हाल खरा हो क्योंकि उनकी अपनी एग्जिस्टेंस का मामला होता है फिर एल्क्शंस भी आने होते हैं तो उन्हें मख्त एजेंडाज़ पर काम करना पड़ता है और अगर हम होकर हो के बैठ जाए तो पापुलरिटी ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है ऑलरेडी हमारी अपोजिशन जो है वो कोई इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर रही गवर्नमेंट के बारे में तो एक वाज का जो है वो नज़र आता है कि वो डिलीवर नहीं कर पाई लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन को प्रेशर माउंट करना चाहिए था उसमें भी वो फ़ेल हो गई है तो ये जो शोर व़ा हम सुनते हैं दरमियान में कभी कभार उठता है इन हाउस चेंजेस की बातें होती हैं माइनस वन फार्मूला की बातें होती हैं माइनस थ्री फार्मूला की बातें होती हैं शहबाज शरीफ साहब का नाम आ जाता है पिलावल कहते हैं जी इन हाउस चेंज होनी चाहिए पता चलता है नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि जनाब मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए तो ये सारी सूरत हाल जो है ना एक एक अमेरगमे ऑफ थाट्स है इस वक्त अब मसला क्या है पाकिस्तान के साथ मसला अजीम साहब ने फरमा दिया अब सबसे बड़ा मसला तो यह है कि हमारी इकानमी पहले दिन से ही इसी हकूमत से नहीं संभल रही थी उसकी वजह यह थी कि इनके पास प्लान ही कोई नहीं था और फिर उसके बाद ये प्लान तैयार भी नहीं कर सके यही वजह है असद उमर साहब को रिप्लेस करके आपको दूसरे साहब लाने पड़े कभी तो कुछ ऐसा ख़ास डिलीवर नहीं कर पाए फिर बदकिस्मती कहूँगा मैं पाकिस्तान की भी और पी टी आई की भी कि कोविड ने वार कर दिया जिसके बाद बादशी हालात मज़ीद ख़राब हो गए और कोरोना ने अपनी तरफ से जो डैमेज करना था वो नेशनल इकॉनमी से लेके घर की इकॉनमी सब कुछ को उसने बर्बाद किया ऐसे सूरत हाल में गवर्नमेंट ने जो रिलीफ अनाउंस किया उसमें भी अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है वो एटी बिलियन या कितने की अमाउंट बताते हैं जी इन्होंने तकसीम किया लेकिन मेरे ताती ख्याल में वो ट्रांसपेरेंटली नहीं हुआ चूंकि उसकी वजह यह कि मैंने बहुत सारे लोगों के को ये रास्ता दिखाया उनमें मतलब अगर मैं कहूँ आठ से दस थे उनमें से किसी एक और सारे डिजर्विंग थे एक को भी असिस्टेंस नहीं मिली जिसके बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं आ, मामला जो हैं कंप्रोमाइज हुए हैं दूसरी बात आ, आ जाती है जो इनकी वफाक की और सिंध की लड़ाई है अब चूंकि वो लड़ाई है और ऐसी सूरत हाल में यकीनी तौर पे ब्लेम गेम जो है वो चलेगी और इधर से एक्यूजेशन होगी काउंटर एक्यूजेशन होगी बात जो है वो कोरोना को लॉकडाउन से शुरू हुई थी जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस था आज वो बेनजीर भुट्टो भुटो की वसीयत पे चला गया है तो इस हद तक चला गया है तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो इस वक्त हुकूमत दे के ये जो आ, इस, इसे मैं इसके लिए मैं नर्म लफ्ज़ कोई सोच रहा हूँ कि ये जो टॉक है ये इसको मैं ये लानत का तोक कह लीजिए या बुराई का तोक कह लीजिए ये कोई भी पार्टी अपने गले में नहीं डालना चाहेगी तो ये सारा कुछ जो हो रहा है सिर्फ अपना जो अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो है साब के नाम पे अपोजिशन को क्रश करने की कोशिश की जा रही है उसको रिटेलिएट करने के लिए जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस तरह की बातें करती रहती हैं जब एक पेज पे आने की बात होती है जब एक पेज पे आने की बात होती है तो आप फ्रॉम मौलाना फजल रहमान टू तो शहबाज शरीफ फ्रॉम शहबाज शरीफ टू तो बिलावल भुट्टो जरदारी इन तीनों के एजेंडाज़ आपको डिफरेंट नज़र आते हैं तो उससे जाहिर होता है कि ये सीरियस नहीं है इस मामले में ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब कर चुके हैं अब गुल साहब मेन मुद्दा यह है कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही जब तक कारकरी नहीं दिखाएगी तब तक ना तो आवाम में उस तरह से एतमद बढ़ सकेगा क्योंकि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी अब लग ही रहा है कि वो कम होती जा रही है लेकिन साथ ही साथ एहतसाब का नारा बुलंद करके पाकिस्तान तरीके इकतदार में आई थी एहतसाब तो हुआ साथ ही साथ कहा कि अगर करप्शन का खात्मा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा अब जिस तरह से चल रही है। आप क्या समझते हैं कि तब्दीली तो आई लेकिन चेहरे तब्दील होते रहे लेकिन बुनियादी तौर तो पर जो तब्दीली चाहिए थी वो नहीं आ सकी आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका हुकूमत करने में दो साल होने को क्यों नाकाम होती नजर आई रही कहाँ लैक कर रही है रही शुक्रिया आपका मैंने दोनों मोजिज हमारे जो शुरुका है उनकी गुफ्तगु सुनी है और उनकी अपनी राय है मेरी अपनी राय है ये जैसे आपने कहा कि क्या सिर्फ आप अकेले एंकर हैं जो ये बात कर रहे हैं क्या अकेला ये टीवी सच है जो ये सच बोलने की जसारत कर रहा है कि परफॉर्म नहीं कर रही क्या ये हकुमत की परफॉर्मेंस लोगों के सामने नहीं है क्या हम हर इदारे के अंदर जब फौजी सरबराहान की तयनती देखते हैं तो क्या वो हकूमत की अच्छी पॉलिसी के नतीजे के अंदर हो रहा है वो टिड्डी दल हो या कोविड हो या वो कश्मीर के हवाले से हो या वो इकतदी पॉलिसियों के हवाले से हो या वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हवाले से ये बात की जाए कि ये आखिरी हमारा बजट होगा जो हम उनके कर्जे से लेते हैं या अमेरिका के हवाले से वो ट्रॉफ़ी की बात हो जो 27 तारीख को जून जुलाई की वो जीते लेकिन 5 अगस्त को जो है वो कश्मीर अलहदा हो गया क्या लद्दाख के हवाले से सी पैक के हवाले से जो चाइनीज़ तहफात थे वो मैंने तो नहीं कहे थे वो आपने भी नहीं कहे वो तो चाइना ने ख़ुद कहे क्या हमें अच्छे तरीके से याद नहीं है कि वज़र अजम के साथ जो एक बायदा आर्मी चीफ साहब का ट्रिप प्लान था सऊदी अरब का उसके अंदर फिर शी जिनपिंग साहब के पास जाना पड़ गया था आर्मी चीफ को हमें सब याद है अच्छी तरीके से आपको भी याद है लेकिन मसला यह है कि वो परफॉर्मेंस हो वो आपकी मैनेजमेंट हो वो गवर्नेंस हो मुल्क जो होते हैं वो कर्ज़े ले क्या अमरीका दुनिया का सबसे मकरूज तरीन मुल्क नहीं है तो क्या अमेरिका जो है वो बुरे हाल है शिकस्ता हाल है उसके अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ नहीं रही, क्या कर्ज़े ले के जो है लोग कारोबार नहीं करते इसी पाकिस्तान के अंदर लोगों ने कर्ज़े ले के बेहतरीन अपने कारोबार किए मुल्क को भी दिया और साथ साथ अपनी एम्पायर को भी खड़ा किया मकसद ये है कि जो बुनियादी नारा था इंसाफ का वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आप देख लें वो बाकी मामला के ऊपर देख लें रेलवे के एक्सीडेंट्स के हवाले से देख लें और फिर माइनस वन या माइनस टू या माइनस थ्री या माइनस फोर की बातें क्या मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं या हुकूमती वजरा कर रहे हैं बात तो यह है सोचने की इसलिए ये बात जहां तक यहाँ कही गई ये बिल्कुल मैं इससे इतफाक राय रखता हूँ कि कोई भी इस इस टाइम पे मजबूरी के तोक को अपने गले में नहीं डालना चाहेगा ये बिल्कुल दुरुस्त बात है लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या अगर टॉक नहीं डाला जाएगा तो क्या फिर भी जो है वो इसको कंटिन्यू कर सकेंगे एक गाड़ी है उसका इंजन ही सीज हो गया है कितनी देर आप जो है उसको मांगे तांगे के पहियों पे चला लेंगे क्या वजीर दाखला जो हैं वो इमरान खान साहब की पॉलिसी से इतफाक करते हैं क्या वो पी टी आई के जो है वो क्या उनके इंटरव्यूज मौजूद नहीं है क्या जो दीगर खसरो बख्तियार साहब हैं या दीगर वजरा हैं बहुत ही कम या इससे पहले माजी में फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी या अभी जनरल आसम हैं क्या आपका क्या ख्याल है ये पीटीआई के लोग थे मसला ये है कि पीटीआई का नजरिया एक है जिसकी बुनियाद पे वो पाकिस्तान के लोगों ने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया और उनको हुकूमत का मौका दिया लेकिन क्या वो एतमाद जो है उसके ऊपर पूरा उतर पा रहे हैं क्या पीटीआई के ये एजेंडे थे जो आज हम कभी कुछ देखते हैं और कभी कुछ देखते हैं क्या वो तमाम उमंगें जो अवाम के दिलों की अक्का कर रही थी क्या आज वो अक्कासी कर रही हैं क्या सलाहुद्दीन का केस आप भूल गए क्या सानिया साहिवाल आपसे जो है वो कहीं चला गया क्या परवेज मुशर्रफ साहब का जो केस था उसके हवाले से जो कुछ भी हुआ क्या वो आसिया का केस था या वो दीगर थे या इस्लामाबाद में मंदिर की तमीर के हवाले से मामला हैं या अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इशूज हैं क्या अगर अफगानिस्तान के अंदर हमारा वो अजीम तरीन किरदार था जिसको हम बताया जा रहा है तो फिर ये माहिदा दोहा में क्यों हुआ ये इस्लामाबाद में क्यों नहीं हुआ यानी कि अगर सारा दुख सही बिफाख्ता और कब्बे अंडे खाए और फिर अगर कश्मीर के हवाले से सताईस सितंबर की इतनी खूबसूरत तकरीर थी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती लेकिन सताईस सितंबर के बाद आज एक साल होने को आया है ग्यारह महीने हो गए हजूर अगले पंद्रह दिन के बाद बीस दिन के बाद जो है वो एक साल हो जाएगा तो हमने अभी तक कश्मीर पे क्या पॉलिसिया दी हैं क्या इंडिया ने जब भारत और चीन के ऊपर वहां मामला हुआ लद्दाख में तो उन्होंने ये तरह पड़े थे कि इंडिया जा 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 लद्दाख से निकल जा? क्या ऐसे तरीके से तीन जुम्मे एहतजाज करने के बाद होता है क्या ट्रेड आपने खोल दिया उसके साथ आपने जो है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड खोल दिया आपने फजाई हदूद खोल दी आपने सिफारती ताल्लुक जो है वो बहाल रखे जब तक के उन्होंने आपके सिफारतकार नहीं निकाले आपने वो रेसिप्रोकल लॉस जो थे वो इम्प्लीमेंट नहीं किए इनिशिए तो आपने हिंदुस्तान के हाथ में दे दिया कौन सी डिप्लोमैटिक पॉलिसीज की बात करते हैं वो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज जो कश्मीर के ऊपर एक कर्फ्यू नहीं हटवा सकी उसमें नरमी नहीं ला सकी विच डिप्लोम डिप्लोमैटिक पॉलिसी अबाउट ओ आई सी के अंदर हमारा ये आलम है कि सुषमा स्वराज को उन्होंने बुला लिया और वो जाके ओ के अंदर खिताब करके आई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ठीक है, क्या बात है जनाब मैं 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 इसी पर अजीम चौधरी साहब से भी कमेंट लूंगा अजीम आप, आपने गुल, गुल मुबारक हो मैं सियासी तकरीर नहीं करता मैं तो अपना तजिया देता हूँ और मेरा तजिया है कि दुनिया की कोई हुकूमत बगैर वसाइल के अपने आवाम को कोई सहूलत नहीं दे सकती और पाकिस्तान में वसाइल की जिस तरह तकसीम हो रही है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में वसाइल को तकसीम करने के लिए जिस फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है या काम हुआ था उसके तहत ये पैसे जो सरकार इकट्ठा करती है वफाकी हूमत और सूबों को देती है और सूबों ने कंसॉलिडेटेड फंड में से अपने शहरों को देना होता है और शहरों के पास ये अख्तियार होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि वो अपने बजट जो है वो ख़ुद बना सकें और अपने शहर के लिए टैक्स इम्पोज़ कर सकें और टैक्स को इकट्ठा कर सकें ता वक्त कि हम एक तरह के निज़ाम को लेकर नहीं चलेंगे और अपनी सियासी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदना बंद नहीं करेंगे मामला हल नहीं होंगे ये आवाम इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन आवाम के लिए है और आवाम को इसमें से कुछ नहीं मिल रहा वो लोग जो नए इमरानी माहदे की बात करते हैं या वो इस बात की बात करते हैं कि उसबाई ख़ुद मख्तारी के मामल जो हैं उनको देखा जाए तो वफाक सिर्फ़ अकेला ज़िम्मेदार नहीं है कि वो पूरे मुल्क को चलाए अब इसकी जो अक्याँ हैं वो वफाक से ज़्यादा मजबूत हैं और वफाक एक कमज़ोर वफाक है ऐसे वफाक की मौजूदगी में सूबों के से सवाल पूछना चाहिए बजाय इसके कि आप मरक़ के लोगों से सवाल पूछें और मरकज़ी सतह पर इसका आप एनालिसिस करवाने की कोशिश करें आप सूबों से पूछें सूबों की क्यादत से पूछें कि आपके पास जो एन एफ सी के ज़रिए पैसे आते हैं जो टैक्सेशन आप इकट्ठी करते हैं उसके नतीजे में आप अपने लोगों को क्या देते हैं और अगर आप अपने लोगों को सहूलत नहीं दे सकते तो फिर इस सब का फ़ायदा क्या है ये दुरुस्त है बात कि हुकूमतें टूटती रहती हैं लेकिन रियासत का टूटना एक बहुत ही बड़ा मामला होता है यूएसएसआर के पास क्या नहीं था लेकिन वो टूट गया और अफगानिस्तान में क्या था कि अफगानिस्तान फिर एक रेलिवेंट मुल्क है बांग्लादेश हमसे अलग हुआ गुर्बत के मारे हुए लोग थे उनका जो टका है वो हमारे दो रुपये के बराबर है हमारा पास हमारे पास क्या है हम करप्ट हैं हम बेईमान हैं हम मुनाफिक हैं हम चोर हैं हम डाकू हैं हम इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं हमारे कॉल ऑफ कॉलोफेयर में तजाद है हम अपनी बात कहना चाहते हैं दूसरे की सुनना नहीं चाहते और जो बात दूसरे को कहना चाहते हैं वो समझते हैं कि उस पर लाजिम हो गई है जब तक मुझ में तहमुल नहीं होगा बुढ़दबारी नहीं होगी मैं ईमानदारी के साथ अपने फराइज पूरे नहीं करूँगा अपने बहन भाइयों अपने अजीजों अकालब के हकूक़ पूरे नहीं करूँगा अपनी रियासत के हकूक़ पूरे नहीं करूंगा मुझ पर अल्लाह की लानत होगी इसके अलावा कुछ नहीं होगा और मुझे चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूं और अगर मैं उनको पूरा नहीं कर सकता तो फिर आर्टिकल पाँच मुझे पढ़ना चाहिए जो मुझ पर लाजिम करता है कि मैं रियासत का वफादार हूँ और ये मेरी जिम्मेदारियाँ होंगी क्या हम अपने गिरबानों में मुँह डाल कर देख सकते हैं कि हम रियासत के कितने वफादार हैं हम तो अपने वफादार भी नहीं है शायद पूरी तरह हम अपने मकासद के हसूल के लिए भी वो तो तमाम तरीके इख्तियार करना चाहते हैं जो दुनिया में कोई और मुल्क नहीं करना चाहता जी ठीक है अजीम चौधरी साहब इस पर मैं मुबशिर बुखारी साहब की कमेंट लूंगा लेकिन पर मुझे ब्रेक लेनी है ब्रेक के बाद वापस आते हैं फिर गुफ्तु का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते